यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर भिवारी से, जहां पर चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में मांगों को लेकर चल रहा धरना बुधवार को खत्म हुआ। मांगे माने जाने पर धरने को खत्म किया गया। बता दें कि सीवर की सफाई करते समय दो मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर लोगों में रोष था कि पूरा सामान और दूसरी जरूरत की चीजें मजदूरों को सफाई के दौरान मुहैया नहीं करवाई जाती है। इसी वजह से लोगों ने धरना दिया था और मांगे रखी थी, लेकिन बुधवार देर शाम लोगों की मांगों पर सहमति बनी। सहमति के मुताबिक मृतक के परिजनों को विभाग के द्वारा 10 लाख रुपए तो कर्मचारी के द्वारा और 2.5 लाख आउटसोर्सिंग पॉलिसी के मुताबिक और एक एक सदस्य को नौकरी देने की बात हुई। तो वहीं एडीसी संगीता का कहना है कि बिना किसी सेफ्टी उपकरण के अब किसी भी मजदूर को किसी भी विभाग में काम नहीं करने दिया जाएगा। जो लगातार सफाई कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं, इसके लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी कि मैनुअली काम सीवर के अंदर नहीं होगा, उसके बाद भी करवाया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदार सरकार है। फर्स्ट चीज़ जो हमने कंसीडर की है कि विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स कोई भी कर्मचारी है इस तरह के रिस्क ना ले। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इस तरह के सीवेज के अंदर एंट्री ना हो। अगर स्पेशल सर्कमस्टांस में एंट्री होती है तो उसके अंदर सारे के सारे प्रिकॉशन बढ़ते जाएं। हम कोशिश करेंगे कि म्यूनसिपलिटी हो या फिर बिजली विभाग हो या फिर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सारे लोग इन पॉलिसीज को 100% लागू करें कि किसी भी पर्सन की लाइफ है वो रिस्क पे ना हो। सेकेंड थिंग, जो मृतक हैं उनकी फैमिली को डिपार्टमेंट की ओर से 10-10 लाख रुपए का सहयोग दिया जा रहा है और कर्मचारियों ने आपसी सहयोग से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्णय किया है।